सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को ध्यान होगा, हमने डिफेंस अपडेट के पिछले एपिसोड में इंडियन जर्नलिस्ट रिटायर्ड कर्नल अजय शुक्ला जी की एक रिपोर्ट के बारे में बातचीत की थी, जिसमें उनका ये मानना था कि अगर भारत सी गार्डियन ड्रोन्स के बजाय यूएस एयरफोर्स द्वारा रिटायर किए जाने वाले ग्लोबल हॉक ड्रोन्स को खरीदता है और वो भी EDA प्रोग्राम के माध्यम से, तो इससे भारत के कई बिलियन रुपीज बच सकते हैं। और हमने आपसे भी इसके रिगार्डिंग आपके विचारों को कमेंट सेक्शन में शेयर करने के लिए कहा था, जिसमें हमें काफी अलग अलग तरह के जवाब देखने को मिले। जैसे कि कुछ का कहना था कि ये ड्रोन्स लेने चाहिए, तो कुछ का कहना था कि हम रिटायर्ड ड्रोन्स क्यों लें, इसके बदले नए ड्रोन्स क्यों ना लें। तो आज के एपिसोड में हम इसी टॉपिक पर अपना खुद का ओपिनियन देने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसके रिगार्डिंग हमारे क्या विचार हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ग्लोबल हॉक ड्रोन्स है क्या। तो इस ड्रोन का पूरा नाम है RQ-4 ग्लोबल हॉक, जिसे अमेरिकन कंपनी नॉर्थरॉप ग्रूमैन ने मैन्युफैक्चर किया है, और जबकि शुरुआत में इसे राइन एरोनॉटिकल द्वारा डिजाइन किया गया था, जो कि अब नॉर्थरॉप ग्रूमैन का ही हिस्सा है। और जो ये RQ-4 ग्लोबल हॉक है, ये हाई ऑल्टीट्यूड के रिमोटली पायलटेड सर्विलियंस एयरक्राफ्ट है, यानी की एक सर्विलियंस अनमैंड एरियल व्हीकल, जिसकी पहली उड़ान 1998 में आयोजित की गई थी, और इसे US एयरफोर्स एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करती है। ये UAV इंटेलिजेंस कलेक्शन जैसे मिशंस में काफी ज्यादा मददगार साबित होता है, क्योंकि 32 घंटे से अधिक एंड्योरेंस और करीब 22,780 किलोमीटर की रेंज कैपेबिलिटी के साथ ये UAV दुनिया के वन ऑफ द एडवांस सर्विलियंस UAV में आता है। और जो इसका लॉन्गेस्ट कॉम्बेट सॉर्टी का रिकॉर्ड है वो 32.5 आवर्स का है। और इंडियन नेवी जिन सी गार्डियन ड्रोन्स को खरीदने की योजना बना रही है, तो ग्लोबल हॉक इन सी गार्डियन ड्रोन से रेंज, सर्विस सीलिंग और रफ्तार, इन तीनों ही मामले में काफी ज्यादा आगे है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हम ग्लोबल हॉक और सी गार्डियन ड्रोन्स के बीच एक कंपैरिजन वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और अगर इस वीडियो को 10,000 लाइक्स मिलते हैं, तो हम इसके कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि क्या भारत को US एयरफोर्स के इन रिटायर्ड ग्लोबल हॉक ड्रोन्स को लेना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि US एयरफोर्स इन ड्रोन्स को आखिर रिटायर क्यों कर रही है, क्योंकि अगर ये अच्छी कैपेबिलिटी वाले ड्रोन है, तो फिर ऐसे क्या कारण है जिस वजह से इन्हें रिटायर किया जा रहा है। तो शुरुआत में जो शुरू के 10 UAVs थे, उनकी फ्लाई वे कॉस्ट 1994 में $10 मिलियन थी, और जबकि यही कॉस्ट 2001 में $60.9 मिलियन तक पहुँच गयी थी, और 2013 आते आते इसकी फ्लाईवे कॉस्ट $131.4 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। और इसकी इसी बढ़ती कीमत के चलते शुरुआत में जो इसकी 63 यूनिट्स को खरीदने की योजना बनाई गई थी, उसे कट करके 45 यूनिट्स तक कर दिया गया था। और जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होता गया, इसकी कॉस्ट भी बढ़ती रही, और 2011 में US एयरफोर्स ने इसके RQ-4 ब्लॉक 40 वेरियंट के करीब 22 यूनिट्स को खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन इसकी कीमत के चलते इस योजना को 22 से 11 कर दिया गया। और 2010 में तो इसकी एक घंटे की उड़ान की जो कीमत थी वो $40,600 थी। हालांकि 2010 से लेकर 2013 के बीच में इसकी जो फ्लाइंग कॉस्ट थी, उसमें करीब 50% तक की गिरावट देखी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस UAV की एक बड़ी फ्लीट को मेंटेन करके रखना काफी ज्यादा महंगा साबित होता है। हालांकि वैसे तो कोई स्पष्ट कारण मौजूद नहीं है जिससे ये मालूम पड़े कि US एयरफोर्स अपनी फ्लीट से 35 ग्लोबल हॉक ड्रोन्स को रिटायर क्यों करना चाहती है, लेकिन हमारे हिसाब से जो कारण हो सकता है वो है इसकी कीमत, क्योंकि जैसे कि रिपोर्ट में कहा गया था कि US एयरफोर्स अपने पैसे को बचा के अत्याधुनिक वॉर फाइटिंग वेपन जैसे कि स्टेल्थ बॉम्बर्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स में लगाना चाहती है, और इसलिए इस बात की सबसे अधिक संभावना है कि इस UAV की एक हाई मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट होने की वजह से US एयरफोर्स इसे रिटायर करना चाहती है, ताकि वो अन्य महत्वपूर्ण एडवांस टेक्नोलॉजीज पर खर्च कर सके। और वैसे भी US एयरफोर्स इस तरह के लॉन्ग रेंज वाले UAVs का इस्तेमाल खास तौर पर आतंकवादियों की गतिविधियों को ट्रैक करने और उनका सामना करने के लिए करती है, और इसलिए ऐसा मानना है कि हो सकता है कि अमेरिका इन गतिविधियों से अपना ध्यान हटा के अब अपनी कैपेबिलिटीज को और विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हो, ताकि वो अपने सुपर पावर एडवर्सरीज जैसे कि रशिया और चाइना से आते हुए नए खतरों का सामना कर सके। अब बात आती है कि क्या भारत को US एयरफोर्स द्वारा रिटायर किए जाने वाले इन UAVs को लेना चाहिए या नहीं। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इंडियन मिलिट्री में ऐसे कई इक्विपमेंट हैं जो हमने उन देशों से लिए हैं जिन्होंने इनको रिटायर कर दिया था, और फिर बाद में हमने इन्हें इन देशों से परचेज किया था और जिन्हें अपग्रेड करके हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर इसका एक एग्जांपल देना हो
तो इसका एग्जाम्पल होगा INS विक्रमादित्य, जो कि इंडियन नेवी का वर्तमान समय का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसे 20 जनवरी 2004 में इंडियन नेवी ने रशियन नेवी से खरीदा था और ये एयरक्राफ्ट कैरियर रशियन नेवी की सर्विस में एडमिरल ग्रुस्कोव नाम से सर्विस दे चुका है, जिसे रशियन नेवी ने 1996 में डीकमीशन किया था। बाकी इसके अलावा जो अमेरिका का एक्सेस डिफेंस आर्टिकल्स यानी कि EDA प्रोग्राम है, भारत इसका पहले भी फायदा ले चुका है, क्योंकि इसी EDA प्रोग्राम के माध्यम से इंडियन नेवी के लिए अमेरिका द्वारा रिटायर की गई USS ट्रेंटन MPBS वॉरफेयरशिप को लिया गया था, जिसे हम इंडियन नेवी में आज INS जलसवा के नाम से जानते हैं। और इसी प्रोग्राम की वजह से इंडियन नेवी को यह वॉरफेयरशिप केवल $60 मिलियन की कीमत पर मिली थी, जो कि इसकी ओरिजिनल कीमत से काफी ज्यादा कम है। और इस डील में उन 6 US-3 सी किंग मैरिटाइम यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स की कॉस्ट भी शामिल है, जो कि इस वॉरफेयरशिप के लिए लिए गए थे। और INS जलसवा वर्तमान समय में इंडियन नेवी की सेकंड बिगेस्ट वॉरशिप है। हालांकि ये शिप इंडियन नेवी को काफी अच्छे खासे कीमत पर मिल गई थी, लेकिन इसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी आई थी, जैसे कि US ने भारत को ये शिप इस एश्योरेंस के साथ दी थी कि भारत इस नेवल शिप का इस्तेमाल किसी भी ऑफेंसिव पर्पस के लिए नहीं करेगा, और उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पास पूरा राइट है कि वे इसे रेगुलरली इंस्पेक्ट करते रहेंगे। और इसके अलावा भारत द्वारा इस खरीद से पहले कोई भी फिजिकल असेसमेंट नहीं किया गया था, और न ही US नेवी ने कथित तौर पर ये बताया था कि इसमें क्या अपग्रेड्स और मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। और इसलिए हमारे ओपिनियन में अगर भारत इस EDA प्रोग्राम के माध्यम से इन रिटायर्ड ग्लोबल हॉक ड्रोन्स को लेता है, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत के कई बिलियन रुपीस को बचा सकता है, और साथ ही भारत को कम कीमत पर एक अधिक कैपेबिलिटी वाला UAV मिल सकता है। लेकिन इसे खरीदने से पहले कुछ ऐसी मुख्य बातें हैं जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, जैसे कि INS जलसवा के समय जो शर्तें रखी गई थी उस तरह की शर्तें इस डील में शामिल ना हो तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरी बात ये कि इन ड्रोन्स को लेने का फायदा तब है जब भारत अपने बजट के अनुसार इनको आसानी से मेंटेन करके रख सके, और अगर इनमें कोई अपग्रेडेशन या मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो ये भी देखने की जरूरत है कि इसमें कितनी लागत लगेगी। और जहाँ तक बात है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, तो वैसे तो इस बात की बहुत ही कम संभावना है कि अमेरिका इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, और सबसे बड़ी और सिंपल बात इसको लेने का फायदा तभी है जब वाकई में इससे भारत के पैसे बचे जिन्हें भारत अपने अन्य प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सके। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।